ओके ओम का हम करेंगे। हाथ जोड़िएगा, आंखें बंद कीजिए। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, जैसा कि हमने पिछली अपनी क्लास में बाजार दर्शन पाठ पढ़ा था और उसके मुख्य अंशों की चर्चा की थी, आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर हम चर्चा आरंभ करें उससे पहले एक बार पुनः निवेदन कि मैं जिससे प्रश्न पूछूं और जिसको उत्तर देना है वह वीडियो ऑन करके फिर आंसर करें, ठीक है? आज एक और बात कि अब ओरल असेसमेंट स्टार्ट। तो जो वीडियो ऑन करके आंसर करेंगे उसी का असेसमेंट माना जाएगा। यदि कोई मजबूरी है, यदि कोई परेशानी है, तो चैट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताएं कि वीडियो ऑन ना करने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है? कॉल भी कर सकते हैं क्लास के बाद। दूसरी बात ये कि आप सभी बच्चे एक-एक करके रोल नंबर वाइज, हम बता देंगे कौन कौन से रोल नंबर, वाइज आपने जो लिखे हैं प्रश्नोत्तर अब तक, जितने चैप्टर मैंने करा दिए, आप मुझे पीडीएफ भेजें, पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसे भेजें। आई विल चेक एंड रीसेंड, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है? या कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है, आई विल मार्क एंड सेंड बैक। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को अपने लिखे हुए को पीडीएफ में कन्वर्ट करना आता है? यस मैम, तो यस आज मैम। स्टार्टिंग में रोल नंबर 1 अगर हम देखें मेरी क्लास के अकॉर्डिंग, आस्था या आलिमा? आलिमा, आर यू हियर इन द क्लास? आई एम जस्ट गोइंग टू चेक। आस्था, अंजलि, अंजलि मिश्रा, आई थिंक आलिमा इज नॉट प्रेजेंट टुडे। यस, तो आज सबसे पहले आस्था, अंजलि भील, अंजलि मिश्रा, आस्था का वीडियो ऑन है, आस्था मुझे दिखाई दे रही है, अंजलि भील आप भी मुझे दिख रहे हैं, यस, और अंजलि मिश्रा, यस, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, फिर क्यों वीडियो ऑफ करके बैठते हैं बेटा? तो आज आप तीनों यदि सहमत हैं तो अपना हाथ उठाकर मुझे स्वीकृति दीजिए कि आप आज भी अपना लिखा हुआ पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे भेज देंगे। मैम आज कितने चैप्टर्स के भेजना है? ठीक एक काम करें तो पहले हम गद्य वाले हिस्से, गद्य वाले चैप्टर से लेते हैं, मैम, ठीक आज गद्दे वाले भेजना है। है? हाँ, गद्य में से भी एक काम कीजिए, कौन कौन सा डेबिट है पहले ये बताइए। अभी हमें सिलेबस शामिल नहीं है, पहले उनको देखना है। गद्य में से मैम चार्ली चैपलिन हट गया और शिरीष के फूल जो चैप्टर हटेंगे तो हट भक्तिन, बाजार दर्शन गया। को भी अभी बाजार दर्शन की तो आज हम चर्चा करेंगे। तो भक्तिन तो हाँ काले मेघ पानी दे और पहलवान की ढोलक, ये तीन चैप्टर का भेज दीजिए। तो आज हाँ तो भेज यस दें मिश्रा, कि आप वो 5 लोगों का तो चेक कर ही सकती हो। भूमिका कहार, आप भी अपना वीडियो ऑन करें।
मैम ग्रुप पे भेजना है कि पर्सनल भेजना नहीं, जैसे भी भेजना है, दोनों जगह चलेगा। ग्रुप में भी भेज सकते हैं, और मैं ग्रुप में ही फिर रीसेंड कर दूंगी। ओके भूमिका, आप नहीं है क्या क्लास में? मैम? हूँ। वीडियो ऑन नहीं होगा? यस मैम करती हूँ। गलत बात है बेटा, हूँ करने से पहले आपको वीडियो ऑन करना है। जब मैंने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, बार बार थोड़ी देना है मुझे इंस्ट्रक्शन। बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। आप क्लास में है, क्लास के फीलिंग में रहिएगा, कंफर्ट जोन से बाहर आके बैठिएगा। आप स्कूल में है, इस स्थिति में ही अब आपको पढ़ना होगा, ठीक है? तो भूमिका आप भी मुझे भेजेंगे आज कौन कौन से चैप्टर बोले मैंने आपने सुना? यस मैम, एक बार और रिपीट कर दीजिए। इसलिए कहती हूँ वीडियो ऑन रखो। वीडियो ऑफ करके आप कहाँ थे? ऐसा मैम यहीं पे ही थी। हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही वही तो, यही सब चीजों के लिए आप स्पेशली एक बार नहीं, 100 बार ये बात बोलनी पड़ रही है कि अब आप 12th में हैं। फिर भूमिका वीडियो ऑफ किया, आपको मैं ब्लॉक कर दे रही हूँ। आप आराम से फोड़ के सो जाइए। जिन बच्चों ने वीडियो ऑफ रखना है आराम से सो जाओ। केवल 40-40 मिनट की जो क्लास होती है, उतनी देर के लिए आपको बैठने में दिक्कत है। जबकि स्कूल आते हैं तो हम फुल डे के लिए हम पैक थे। जिससे वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, अंजलि मिश्रा वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, जिससे बात कर रही हूँ कम से कम वो वीडियो ऑफ नहीं करेंगे। एंड गोविंद राय, आप हैं क्लास में, वीडियो ऑन हो सकता है, फिर क्या दिक्कत है? तो आप भी तैयार हैं? कौन कौन से पार्ट बोले मैंने बताओ? गोविंद बताओ, जिसे भूमिका भी सुन ले दोबारा से। अच्छा मंजुल भी शामिल हो जाए, ठीक है? यहाँ तक तो 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों का मैं आज चेक करने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बाकी लोग तैयार रहें इन्हीं चैप्टर्स के साथ। गोविंद बेटा, मैंने कौन कौन से चैप्टर बोले आपको, कौन कौन से मुझे पीडीएफ भेजना है? गोविंद नहीं पता, चलो ठीक है। भूमिका आप सुन पा रहे हो? यस मैम। ओके ठीक है, क्योंकि कई बार वीडियो रुक जाता है तो समझ नहीं आता कि क्लास में आप हैं या नहीं। तो मैंने अभी एक तो भक्तिम, दूसरा कौन सा चैप्टर बोला, काले मेघा पानी दे, तीसरा कौन सा बोला, पहलवान की ढोलक, है ना? यहां तक यानी तीन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लिख के मुझे भेज दीजिएगा। डन। बाकी लोगों का वीडियो रुक क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अकेले नंदनी, नंदनी आपको मेरी आवाज आ रही है? पूनम यस आवाज मैम। आ रही है बेटा? आस्था आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ मैम ठीक है यस मैम। चलिएगा। ओके हाँ, वो वीडियो रुक रहा है ना तो मुझे ऐसा डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हम बाजार दर्शन पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न पूछिए पूनम। मैम मैम एक डाउट है मैम। मैम ये आसा मैम डाउट जो पूछिए। पहलवान की मैम पहलवान की ढोलक जो पार्ट है ना मैम, उसके प्रश्न उत्तर मैम वो प्रश्न टिक करवा दिए थे क्या मैम मेरे पास? पूरे ही वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके सभी कर लीजिए, है ना? आसान से कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? ओके आप बाजार दर्शन का पहला प्रश्न पूछिए। मैम मैंने तो पहले ही कर लिया था, तो मैंने जो हाँ आपने टिक करवाए थे वही लिखे हैं क्वेश्चन आंसर्स।
नंदनी बताना कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये पहलवान की ढोलक के। थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने तो ये तीन ही किए हैं। कौन से? थर्ड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। और काले मेघा पानी के कौन से करना है ये भी बता दे। उसका तो वॉइस में इसमें स्टार्टिंग के फोर 1 2 3 4 और भक्तिन के भक्तिन का एक मिनट। भक्तिन का फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ बस फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ अच्छा फर्स्ट। हाँ ठीक है थैंक यू वेलकम। पता नहीं क्यों आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और ज्वाइन करना बहुत मुश्किल से ज्वाइन कर पा रहे हैं। चलिए बताइए पहला प्रश्न पूछ लिया ना? पूछ लिया क्या मेरे एब्सेंस में? नो मैम। नो मैम। ठीक है पूछिए। मैम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या 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 पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की पूनम आपको आंसर नहीं करना है आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। अच्छा मैम ठीक है आंसर वही करेगा जिससे हम पूछेंगे। दिस इज यस मैम ये एक तरह से आपका ओरल असेसमेंट है चाहे आप देख के आंसर दे रहे हो आप yes, पढ़ के आंसर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो असेसमेंट है वो आपकी सक्रियता को जानने के लिए आपकी एक्टिवनेस को जानने के लिए ठीक है कि आप कितने एक्टिव होकर बैठे हुए हैं। तो पहला प्रश्न पूनम ने पूछना है तो पूनम रिपीट करेंगे प्रश्न को। यस मैम बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? ठीक है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मानवी जैन आप हैं क्लास में? यस मैम साईराम। यस चलो आप लोगों के दर्शन होते हैं तो यही बहुत अच्छी बात है। हाँ मानवी अब उत्तर दे। मैम जब हम बाजार जाते हैं तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज हमें खरीदनी चाहिए हम वो ना खरीद कर हम लोभ में आकर हम लालच में आकर वो चीजें खरीद लेते हैं जो कि सुंदर दिखती हैं और जो हमको आकर्षित करती हैं जिसकी वजह से वापस घर आकर पता चलता है कि असल में वो चीजें तो हमें खरीदनी नहीं थी और जिसकी वजह से वो हमारे संपत्ति पर असर पड़ता है। ठीक है और कोई गुड वेरी गुड गुड मानवी गुड एफर्ट और कौन प्रयास करेगा? अच्छा नेक्स्ट इसी प्रश्न का जवाब मैम शिफा। शिफा आंसर यस मैम। यस मैम बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बन जाता है और उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती और मनुष्य जिन चीजों की जरूरत नहीं हो उनको भी खरीदने के लिए विवश होने लगता है और बाद में जाके कोई अनावश्यक लगती है। मैम ये उत्तर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है शिफा। यस बेटा ना बोले मंजूर बोल रहे हैं पूनम दोनों में से कौन आंसर कर रहा है? मैम मैम बाजार का जादू ऐसे लोगों पर पड़ता है जिनका मन मैम मैं बोलूं मैम मैम बाजार का जादू ऐसे लोगों पर पड़ता है जिनका मन नियंत्रण में ना हो उनके में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता इसलिए उन्हें जो भी चीज आकर्षित कर लेती है वो उसे बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और फिर उन्हें जब ऐसा एहसास होता है कि मैम मैं बोलूं अच्छा आप मंजू मंजू को मौका देते हैं मंजू के बाद भूमिका मंजू हाँ मैम ये अरे
मैम ये प्रश्न में बोला गया है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो पहली बात तो ये है, जब बाजार का जादू चढ़ता है तो इंसान के अंदर परचेजिंग पावर का एक गुमान आ जाता है कि मेरे पास धन है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, जो भी चाहे। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जब उनके अंदर, फिर उनके अंदर इंसानियत नाम की वो चीज नहीं रहती है, ना जरूरत की चीजें वो खरीदते हैं, उनके अंदर पैसा बोलता है, अगर दूसरे शब्दों में कहें। और जैसे पाठ में बताया गया है कि भगत जी का उदाहरण देके बताया गया है कि अगर मन नियंत्रण में हो तो फिर हम चाहे जो भी कर लें, हमारी सिर्फ जरूरत की चीजें और पैसे भी उतना कुछ नहीं कर सकता है। हमारे बस मन नियंत्रण में होना चाहिए और पैसे की कमी कुछ नहीं होती है। परचेजिंग पावर जो होती है वो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है, और दिखावा दिखावा करना उसकी बहुत बड़ी गलती गलती और उनकी सबसे बड़ी परेशानी भी बन जाता है। अच्छा, आप पैसे, आपने कहा पैसे की कमी कुछ नहीं होती, मतलब मतलब मैम पैसे की कमी, मतलब थोड़ा जुबान फिसल गई थी मैम। बात ये है कि पैसे की, आपने भी एक दिन समझाया था कि पैसे की जो हमारी जो बेसिक जरूरतें होती हैं उनके लिए बस पैसा चाहिए। जैसे कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान, उनके लिए पैसा वो पर्याप्त है। पर जब अधिक पैसा आ जाता है तो हम लोगों को, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उसको सही जगह खर्च कैसे करना है। जैसे अधिक पैसा आ जाए तो किसी अनाथ आश्रम में खर्च कर दो, वो अच्छी बात होती है। पर अगर उसी पैसे को वो चीज ले आए जो हमारे पास पहले से पड़ी, तो उसका वो अनावश्यक उपयोग होता है पैसे का। दिखावा और प्रदर्शन में प्रयोग करने लगते हैं, ये आप कहना चाहते हैं, है ना? यस मैम। यस, ओके। ये तो जब जादू चढ़ता है तब होता है, और और अगर इसका मैम दूसरा अगर पक्ष क्या था? तो मैम दूसरा पक्ष था कि उतरने पे, तो मैम अगर जब इसका जादू उतरता है तो पैसा उतना वो नहीं रहता है, सिर्फ हमारी वो बेसिक जरूरतें जो होती हैं वो पूरी हो जाए बस इतना खुश होता है। तो भगत जी के उदाहरण से कहा गया कि जब उनका चूरन, उनके चूरन के उदाहरण से, कि जब उनका चूरन पूरा बिक जाता था, उनको पैसे मात्र, उनके जितने भी उनके पैसे बनते थे दिन में उतने उनके आ जाते, तो बच्चों को चूरन वो फ्री में बांट देते थे, जिससे कि क्या उनको खुशी मिलती थी कि बच्चे भी खुश हो जाते थे। तो खुशी उनके लिए, खुशी पैसे से नहीं मिलती। लेकिन देखा, भगत जी के ऊपर तो ना जादू चढ़ता था ना उतरता था, मैम जादू उसी पर से उतरेगा जिसके ऊपर चढ़ा होगा, लेकिन भगत जी निर्लिप्त उन पे चढ़ा थे। ही ठीक नहीं था। है, चलो अब हम भूमिका को खोलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, गुड, दिस इज वेरी गुड, प्लीज प्लीज डिस्कस, दिस इज द, हाँ भूमिका बोलिए बेटा, मैम इसमें जब बाजार का जादू चढ़ता है तो भूमिका इंसान मोह बताओ। में आ जाता है। मैम जब बाजार का जादू चढ़ता है तो इंसान मोह में आ जाता है, उसे हर चीज चाहिए होती है, हर चीज वो लेने की तलब में रहता है। लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि जो चीजें उसने ली है वो उसकी जिंदगी में बस खलल डाल रही है, एक तरह से मतलब कबाड़ जैसा बनी हुई है। वो चीजें उसकी जिंदगी में खलल डालने लगती है। मैम गई क्या? मैम
मैम का कॉल आया है, डिस्कशन चालू रखा जाए। हेलो, कोई है? क्या बोल रही थी? अब मैं सेशन चालू वीडियो रखो। चालू नहीं रख रही, ठीक है? बोलना है क्या? आंसर हाँ, बोलना है, मैम का कॉल आया है। तो दे। देख, हाँ, बाजार का जादू चढ़ने पर ना मनुष्य हर चीज से आकर्षित होने लगता है, उसे हर चीज अच्छी लगने लगती है, और वो मार्केट में से जो भी चीज दिखती है वो बस उसे लेने की तलब में होता है। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ऐसा ले लूँ, वैसा ले लूँ, और हर चीज लेता है। लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तो उसे समझ में आता है कि उसने सिर्फ घर पे कबाड़ इकट्ठा करके रखा है और कुछ नहीं। कौन आंसर करेगा? ओके, ठीक है, गुड। भूमिका, वीडियो ऑन करना था, ये शर्त आप भूल गए। अच्छा, चलिए अब एक बार इस जो ये चर्चा जो हुई, इसी प्रश्न के उत्तर को आप विधिवत व्यवस्थित करके लिखेंगे, ठीक है, अपने अपनी कॉपीज में, कि बाजार का जादू जब चढ़ता है तब क्या होता है और जब वह उतरता है तब क्या होता है। अब अगला प्रश्न पूछिएगा मंजुल। मैम, बाजार में भगत जी के बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या क्या आप क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? ओके, पहली बात तो कौन सा पहलू उभर कर आता है ये बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रांजल। प्रांजल आप क्लास में है बेटा? प्रांजल पालीवाल आप क्लास में हैं? ओके, मानवी आंसर कर चुके हैं, गुड। अंजलि मिश्रा और निवेदिता आप क्लास में हैं? निवेदिता क्लास में है क्या? निवेदिता और आलिमा, आलिमा बेटा आप हैं क्लास में? अटेंडेंस लिस्ट में शो हो रहे हैं नाम, बट कोई आवाज, नो वीडियो नो ऑडियो, कुछ भी नहीं है। तो प्रांजल पालीवाल एक बार फिर से पुकार रही हूं मैं। प्रांजल पालीवाल, आलिमा, निवेदिता, इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, फिर अंजलि मिश्रा, मैम आंसर करें बेटा। यस मैम आपने प्रश्न सुना था? प्रश्न सुन लिया था कि दोबारा सुनना चाहेंगे? मैम सुन लिया था मैम। बाजार में बताएं। भगत जी के व्यक्तित्व का ये पहलू उभर कर आता है कि उनका मन नियंत्रण में था, और मैम और उनको बाजार की इसी का चीजें, अगला सजी धजी चीजें उनको आकर्षक नहीं कर पाती थी, वह सिर्फ आ, आ, उनके जरूरत के सामान खरीदते थे। मंजूर के प्रश्न का दूसरा पक्ष था कि क्या उनका यह व्यवहार, क्या उनका ये व्यक्तित्व समाज में, समाज के निर्माण में, समाज की शांति में योगदान देता है? देता है। अंजलि जी, हाँ बोलो, अंजलि मैम बोलना चाहते हैं? यस मैम बोलो हाँ मैम, उनका मन भरा हुआ था और वे बाजार की चीजों से आकर्षित नहीं होते थे, साथ ही उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं था और वो हमेशा संतुष्ट मन रखते थे अपना।
इस कारण उन पर बाजार का कोई असर नहीं पड़ता था और यही समाज को भी यही सीख मिलती है उनके जीवन से कि हमें संतोष रहना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए किस प्रकार से योगदान देते हैं समाज? कोई और स्टूडेंट करना चाहेगा? मैम उन्हें कोई लालच नहीं था इसलिए मैम वो कोई कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लेते थे। मैम ओके गुड मैम मंजुल मैम इसमें बोला गया है प्रश्न में ही पूछा है कि उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार कैसे था, यही पूछा गया है। तो मैम पहली बात तो पाठ में सीधा सीधा बताया गया है कि मैम पाठ में सीधा सीधा ये बताया गया है कि भगत जी जो थे उनका मन बिल्कुल मन बिल्कुल नियंत्रण में था, उनको पैसे से इतना कुछ लोग पैसे का इतना मोह नहीं था उनको, पर उनको बस एक चीज रहती थी कि उनकी जो जरूरत के लिए पैसे हो उतना उनके पास आ जाए, फिर वो कुछ नहीं करते थे। पाठ में बताया गया अगर उनका चूरन जो हाथों हाथ बिक जाता था, पर अगर वो लालच में आके चूरन और बनाते या पैसे के लालच में और ज्यादा बेचते तो आज भी वो धनवान होते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बचा हुआ माल अपना फ्री में बच्चों को बांट देते थे, बच्चों की खुशी देते थे और उसके बाद वो खुद भी खुश रहते थे। तो शायद हमको ये सीख मिलती है कि तो उनका ये व्यवहार शांति बनने शांति प्रिय मैम इसलिए समाज में शांति शायद इसलिए फैला सकता है कि उनको ज्यादा मोह से ज्यादा मोह माया से वो दूर रहते थे, ज्यादातर बच्चों की खुशी भी देखते थे। और तीसरी बात ये लालच कोई किसी के साथ छल नहीं करना था, किसी का छल नहीं करते थे, छल कपट नहीं करना था और कोई चीज से समाज यस अंजलि अंजलि कुछ और ऐड करना चाहते हैं? यस मैम जैसे कि ना मैम उनका आचरण था कि वो लालच नहीं करते थे बिल्कुल भी, तो मैम वो समाज को ही सीख देते कि मैम भ्रष्टाचार जैसी चीजें भी खत्म होंगी अगर हम लालच नहीं करेंगे तो, और हमारा मन संतुष्ट रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से अच्छे से मनन करके सोच के आप इस प्रश्न ठीक है। तो कौन कौन से प्रश्न आप लिखेंगे? परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है ये तो लिखिएगा ही, बहुत जरूरी है ये। इसके अलावा पहला प्रश्न लिखिएगा, नंबर बोल देती हूं मैं समय की सीमा देखते हुए, पहला दूसरा तीसरा तीन प्रश्न ये लिखिएगा और ठीक है। बस मैम लास्ट वाला सुनाई नहीं दिया, मैम एक बार मैं फिर से बोल दूं। यस मैम लास्ट वाला परचेजिंग पावर का क्या समझ? ओके ठीक है ओके। आज रिकॉर्डिंग क्यों नहीं स्टॉप हो पा रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। चलिए ठीक है शांति पाठ करें। मैम मुझे एक डाउट था। शांति करते हैं बेटा।